मछली पकड़ रहे हैं अभी ये, और बिल्ली इधर अभी दिखाते हैं, वो सो रही है, सो अभी दिखाते हैं। साले पहले मैं पानी में गई और एक घंटा लगाओ। अबे यार ये बहन तो उनने प्राण आवाज कर दी यार, सो इनके बच की नहीं है। अबे यार उसकी कान ये भगा दी है ये हैगी। बिल्ली पकड़ना नहीं है, खराब हो गया, टाइम वेस्ट करा इन्होंने, बिल्ली नहीं आता ही। हाय गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे। सो मैं आपको दिखा दूं, वीडियो बनाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी कंडीशन इस समय कैसी हो रही है खेत की, एंड जो क्या हमारे साथ हो रहा है, बहुत सब ऐसी हो रहा है। सो दिखाता हूं मैं आपको, इसी ऐसे धान हो चुके हैं, एंड ये धानों पर गिर गई थी ईंटें बारिश की वजह से, एंड मैं आपको धानों को दिखा दूँ। धान गाइस ये जमी आए हैं, ये आपको धानों के अंदर ये किल्ले नज़र आ रहे होंगे, ये पूरी की पूरी बाल जमी आई है। मैंने आपको बताया था ये अगर बारिश में भीग गए तो जमी आएंगे, ये हाल हो रखा है पूरे खेत का। एंड मैंने पानी निकाला था इसमें से, फिर भी ये काफ़ी गीले हैं, ये पूरे के पूरे गीले हैं और भीगे हुए हैं और जम गए हैं पूरे। आप देखिए ये किल्ले, इसमें धानों में किल्ले आ गए हैं, पूरी बाल किल्ला दे गई है, और धान भी यूं ही हाथ पे आ रहे हैं। ये देखिए ये हाथ पे यूं ही टूट कर नीचे गिर रहे हैं धान काफ़ी, ये देखिए धरती पे गिर रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि जम बारिश से ये जमियाए हैं, पूरे के पूरे धान जमियाए हैं, और हमारा काफ़ी इसमें नुकसान हो चुका है। अब हम इनको सुखाएं कैसे, क्या करें, बस देखिए आप। मैं अब इनको इस तरीके से थोड़ा हवा लगने के लिए फैला रहा हूँ। अभी इनको जो ये दबिया सी मैंने बनाई थी पानी निकालने के लिए, ये इस तरीके से मैं इनको कर रहा हूँ ताकि थोड़े हवा लग जाए। ये जो गीले हैं एंड ये जमियाए हैं, ये किल्ला दे गए हैं बिल्कुल, तो मैं इनको कर रहा हूँ। एंड वीडियो बनाने का तो मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुखी इतने आए हुए हैं, एंड मैं करता हूँ इनको, फिर दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों मैंने सारे धान फैला दिए हैं जो मैं पानी निकाल कर दबियों को इकट्ठा करके गया था, वो मैंने सब कर दिया। एंड अभी खेत काफ़ी गीला है, सो जो भी मैंने मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अभी 2-3 दिन इनको सूखते हुए हो गए हैं, एंड अभी कम से कम 2-3 दिन और सुखाएंगे इनको, जब ये झड़ेंगे। ज़मीन भी काफ़ी गीली है एंड नुकसान काफ़ी हो चुका है हमारा। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।